नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। शहर में आज नए नियमों के साथ सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक जीवनावश्यक दुकानें खुली रहेंगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को ही राज्य में कोरोना स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन को 15 दिनों के लिए बढ़ाए जाने का फैसला लिया है और इस ऐलान के साथ कुछ रियायतें भी दी गई। अब नागपुर में पॉजिटिविटी रेट 10% से कम है और उपलब्ध ऑक्सीजन बेड में से मरीजों की संख्या 40% से कम है, इसलिए अब नागपुर में नियमों में थोड़ी छूट दी गई है। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने बीते दिन ब्रेक द चेन के तहत नए आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत अब जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक शुरू रहेंगी। पहले दुकानों को 11 बजे तक ही खोलने की अनुमति मिली थी। शॉपिंग मॉल और शॉपिंग सेंटर के अंदर की दुकानों को खोलने की अनुमति अभी नहीं मिली है और दोपहर 3 बजे के बाद आवाजाही पर भी पाबंदी लगी रहेगी और मेडिकल इमरजेंसी और वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए अनुमति रहेगी। कोरोना गाइड को छोड़ अन्य सभी सरकारी कार्यालय 25% क्षमता के साथ खुले रहेंगे।